हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधे राधे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी विंटर स्पेशल, ये गोभी शिमला मिर्च के पराठे। फ्रेंड्स, ये खाने में जितने ज़्यादा टेस्टी, बनाने में उतने ज़्यादा ही इजी, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर हमने ली है एक बड़ी गोभी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक बड़ी गोभी और एक छोटी गोभी ली थी, उसे हमने इस तरीके से काट लिया है और यहाँ पे इसे गर्म पानी में डाल दिया है। गोभी को इस तरीके से गर्म पानी में डालने से ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है और इसमें से सारी जो भी बैक्टीरिया होंगे वो निकल जाते हैं और हमारी गोभी बिल्कुल साफ़ हो जाती है और थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसमें एक चम्मच नमक भी डाल दिया था। नमक डालने से ये और भी ज़्यादा डिटॉक्स हो जाती है। ये देखिए, हमने इसे इस तरीके से निकाल लिया है जब ये ठंडी हो गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसे निकाल लिया है। सब्जियों में यहाँ पे हमने लिया है 4 छोटी प्याज, एक टुकड़ा हमने लिया है अदरक का, 3 से 4 हरी मिर्च, यहाँ पे सॉरी हमारी 4-5 हरी मिर्च हो गई, और एक बड़ी शिमला मिर्च। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे, हेल्दी बन के तैयार होंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा और आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, ये आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे गोभी को चॉपर में डाल दिया है और अब हम इसे चॉपर की हेल्प से फाइन चॉप कर लेंगे। बिल्कुल आप चाहें तो इससे बिल्कुल महीन महीन चक्कू से भी चॉप कर सकते हैं, बड़े वाले नाइफ से। यहाँ पे हमने चॉपर की मदद से इसे अच्छे से चॉप कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल फाइन इक्वली अच्छे से चॉप हो गई है। फ्रेंड्स, हमें इसे ज़्यादा भी बिल्कुल फाइन नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रहने देना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम गोभी का पराठा बना रहे हैं तो उसमें गोभी का टेस्ट तो आना चाहिए, है ना। गोभी थोड़ी थोड़ी मोटी भी अच्छी लगती है, तो हमें इसमें गोभी को बिल्कुल मीडियम ही रखना है, ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही बिल्कुल महीन, जिस तरीके से हमने आपको वीडियो में दिखाया है बिल्कुल उसी तरीके से। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दूसरा बैच भी, यहाँ पे हमने गोभी का इसमें डाल के इसे भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे भी हमने चॉप करके एक बड़े बाउल में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम चॉप करेंगे अपनी अदर वेजिटेबल्स। अब हमने सेम चॉपर में अपनी शिमला मिर्च को डाल दिया है, उसके बीच वाला जो बीज वाला पोर्शन होता है उसे निकाल कर यहाँ पे हमने इसमें अदरक डाल दी है। फिर अदरक डालने से जो हमारे पराठे होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे हमने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी है। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आप इसे अपने बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है ये, क्योंकि बच्चों को जनरली ये गोभी और ये सब चीज़ें कम पसंद आती हैं। तो आप इसे इस तरीके से उन्हें बना के खिलाइए कि उन्हें सारे पौष्टिक तत्व भी उनके शरीर में पहुँचे और ये उन्हें पसंद भी आ जाए। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना के तैयार करिएगा, क्योंकि गोभी में वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, ये सब सब्ज़ियाँ हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिश होती हैं। तो आप इसे बना के अपने बच्चों को इस फॉर्म में भी खिला सकते हैं, क्या पता और इस फॉर्म में ज़्यादा पसंद आ जाए। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने रिव्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने इसे साफ़ हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हम गूंदेंगे आटा। तो दोबारा अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे हमने 2 कप आटा लिया है। यहाँ पे हमने इसमें 1/2 चम्मच नमक, अजवाइन डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने आटा गूंदना है। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके आटा गूंदना है अपने अच्छा सा सॉफ्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसे ढक देंगे जब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं मसाले डाल के। तो यहाँ पे हमने इसे एक बार पानी से निचोड़ लिया है। यहाँ पे हमने एक सूती कपड़ा लेके इससे भी इसे वेजिटेबल्स को अच्छे से निचोड़ लिया है। आप इसे निचोड़ लेंगे ना तो इसका जैसे ये पानी निकल गया है इसे आप फेंक दीजिए, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो इससे हमें जो
गोभी के पराठे होंगे वो और भी ज़्यादा अच्छे से स्टफिंग हमारी खिली खिली रहेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 1 से 2 चम्मच जीरा को तवे पे भून कर उसे इस तरीके से हमने ओखली में कूट लिया है। रोस्टेड जीरा का पाउडर पराठों में बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे हमने इसमें लगभग 1/2 चम्मच यहाँ पे क्यूमिन पाउडर डाल लिया है, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर यानी कि भुना हुआ जीरे का पाउडर 1/2 चम्मच। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसमें हल्दी डाल दी है। हल्दी डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर, ये भी हमने इसमें 1/4 चम्मच ऐड किया है। अब हमने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें मिर्च ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही मिनिमल मसाले डालेंगे जो इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसमें डाली है काली मिर्च, तो फ्रेंड्स ये 2 पिंच काली मिर्च होगी क्योंकि ये हमारी काफ़ी छोटी चम्मच है ना। और यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया है नमक। नमक आप इसका पानी निचोड़ने के बाद ही इसमें डालें तो जो स्टफिंग है ये भी गीली नहीं होगी, बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे हमने इसे अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड्स अभी हमने इसमें प्याज नहीं ऐड करी है जो हमने अलग से चॉप करी थी, क्योंकि हम पहले एक पराठा अपने कान्हा जी के लिए बना के रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें अब डाला है चाट मसाला। फ्रेंड्स जब हम अपने कान्हा जी का एक पराठा बना के रख देंगे उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। ये देखिए अब हमने एक लोई तोड़ ली है नींबू के साइज़ की बराबर की छोटी सी। ये तो हम पराठा छोटा ही बना रहे हैं क्योंकि हम ये कान्हा जी के लिए बना रहे हैं अपने भोग के लिए। यहाँ पे हमने इसे सूखे आटे से डस्ट कर दिया है, इसे इस तरीके से हमें रोल करना है। फ्रेंड्स हम आपको 2 मेथड दिखा रहे हैं इसमें स्टफ़ करने के पराठे को। पहला ये वाला स्टाइल जो अभी हम आपको दिखाएंगे कि पहला आप इसे अच्छे से बेल लीजिए उसके बाद इसमें स्टफिंग डालिए। दूसरा वाला मैं आपको अभी दिखाऊंगी जब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसमें 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग डाल देनी है। यहाँ पे हमने इसे थोड़ा सा बेल लिया है स्टफिंग डाल के, इसे इस तरीके से अंदर पुल इन करना है जैसे हमने आपको वीडियो में दिखाया है। ये देखिए फ्रेंड्स इसे इस तरीके से जैसे डम्पलिंग होती है ना उसी तरीके से हमने इसे कर लेना है और इसे अच्छे से बेल लेना है। फ्रेंड्स हमने इसे अब अच्छे से बेल लेना है इस तरीके से साइज़ में अब हम बड़ा कर देंगे। फ्रेंड्स वैसे भी अब तो ठंड का मौसम आ गया है, आप इन पराठों को चटनी के साथ सॉस के साथ, बच्चों को तो वैसे सॉस के साथ पराठे अच्छे लगते हैं, बटर के साथ घी के साथ ऑब्वियसली आप इसमें लगाइएगा, काफ़ी अच्छा लगता है। कभी कभी पराठों पर थोड़ा घी बटर लगाने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है और ठंड में से तो ये सब चीज़ें वैलिड ही होती हैं, आप इसे ज़रूर खाइएगा। तो यहाँ पर हम इसे घी लगा लगा के सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसे अच्छे से सेक लेना है ये, और फ्रेंड्स आप इसे चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ठंडी के मौसम में चाय को कौन मिस करता है। अदरक वाली बढ़िया चाय के साथ आप इसे इंजॉय करें, बिल्कुल मन खुश हो जाएगा आपको ये पराठे खा के। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मैंने इतनी बार कह दिया ट्राई करिएगा तो एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छे बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हम इसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से अलट पलट करके सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसे अपने कान्हा जी की प्लेट में निकाल दिया है। कान्हा जी को भोग लगाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर दी है प्याज, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। प्याज डालने के बाद हम स्टफिंग मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स जिस तरीके से हमने आपको बताया है अगर आप इस तरीके से स्टफिंग को तैयार करेंगे तो आपकी गोभी में से बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा और पराठे की जो स्टफिंग है बिल्कुल खिली खिली रहेगी। अगर आप इसे रख भी देंगे फ्रिज में तब भी ऐसी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स दूसरा तरीका ये कि आप पहले लोई को हाथ से अंगूठे की हेल्प से थोड़ा बड़ा कर लीजिए, उसके बाद स्टफ़ करके इसे इस तरीके से पराठा बना लीजिए। यह यहाँ पे हमारा हो गया दूसरा तरीका पराठा बनाने का। आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ये देखिए अब हम इसे बेल लेंगे। Thank you.
इसी तरीके से पराठा हमारा सीख गया है। जब हम पराठे बनाएं तो उससे पहले आप अपने तवे को अच्छे से गर्म कर लें और उसके बाद अपनी गैस फ्लेम को आप लो से हाई के बीच मतलब मीडियम के बीच में शिफ्ट करके अपने अच्छे से सब पराठे जल्दी जल्दी सेक लीजिए। बहुत आराम से आपके सभी पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है और ये लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसे सर्व कर दिया है और हमने यहाँ पर इसे हरी मिर्च और धनिया की चटनी के साथ सर्व करा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ईजी पराठे, हेल्दी भी हैं थोड़े, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।